Welcome to St. Wilfrid Law College. This is subject matter in the subject of legal research methodology, and the subject matter for this lecture is research methods and research methodology. अक्सर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा है. What is difference between research methods and methodology? ये आपके सिलेबस में मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है. बहुत स्टार्टिंग के जो चीज़ें होती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर समझने के लिए, उनमें से ये टॉपिक है. रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं वो समझते हैं, उसके बाद मेथडोलॉजी क्या होती है वो समझते हैं. रिसर्च मेथड्स यानी कि तरीके किसी रिसर्च को करने के, और मेथडोलॉजी मतलब वो पर्टिकुलर मेथड या टेक्निक जो आप यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक की स्टडी कि ये टेक्निक ही यूज की जाएगी या नहीं की जाएगी, की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, उसकी जो स्टडी होती है वो मेथडोलॉजी में आती है. सो मेथडोलॉजी मीन्स लॉजिक बिहाइंड पर्टिकुलर मेथड विच इज बीइंग अप्लाइड, कि ये मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, दैट इज मेथडोलॉजी. बट व्हाट इज मेथड? मेथड इज दैट टेक्निक विच यू आर अप्लाइंग. ओके, तो ए मेथड विच इज यूज्ड इन ए रिसर्च, रिसर्च मे बी ऑफ एनी काइंड, आई एम नॉट गोइंग अपॉन काइंड्स ऑफ रिसर्च, बट रिसर्च मेथड्स मीन्स ए मेथड और टेक्निक फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च. कोई रिसर्च आप करोगे तो वो रिसर्च करने के लिए आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिसर्च मेथड. लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, इसके और भी एलिमेंट्स हैं जो इसके मीनिंग को पूरा क्लियर करते हैं. ड्यूरिंग देखो, जो मैंने टॉपिक्स यहां पर जो पॉइंट लिख रखे हैं ना, ये पॉइंट्स उसके एलिमेंट्स के लिए सिर्फ मैंने लिख रखे हैं. आप इन एलिमेंट्स को और भी नाम दे सकते हैं जो आपके हिसाब से हो, ठीक है ना, और आपको एग्जाम के अंदर लैंग्वेज बना के लिखना है. इस तरह से हेडिंग बना के मत लिखना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रखा हूं. और अगर आप हेडिंग बनाते हैं तो इस हेडिंग को अच्छी तरह से पूरा क्लियर भी आगे एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्टडिंग हिज रिसर्च, हिज रिसर्च मतलब रिसर्चर्स रिसर्च, कि रिसर्च के दौरान वो जो स्टडी कर रहा है वो स्टडी करने के लिए उसको पर्टिकुलर टेक्निक यूज करनी है, तो वहां पर उसके रिसर्च के मेथड्स बहुत काम आते हैं. तो मेथड क्या हुआ? मेथड हुआ उसकी स्टडी करने के लिए, रिसर्च की स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका कि वो किस तरह से रिसर्च करनी है. टू अराइव एट ए सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब यहां रिसर्च प्रॉब्लम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो क्या होती है वो मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है. रिसर्च प्रॉब्लम, उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, सॉल्व करने के लिए आप जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका रिसर्च मेथड होता है. अब ये सब चीजें एक दूसरे कनेक्टेड होंगी, अभी मैं आपको अलग अलग हेडिंग के अंदर बता रहा हूं, बाद में हम इसको एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर है अवेलेबल डेटा एंड अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी इंटर रिलेटेड. जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया या आप जो करोगे उसके अंदर, और रिसर्च करते समय कुछ अननोन एस्पेक्ट्स भी आते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उनका आपस में क्या लेना देना है? आपने जो डेटा कलेक्ट किया, हो सकता है कि उस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी आपने आपको वहां पे देखने को मिली होंगी या आपको समझ में आई होंगी कि ऐसा कुछ भी होता है. जैसे कि किसी गांव के अंदर सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं या किसी सिटी के अंदर सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, मेंटल प्रेशर हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं से एक आउट आइडिया मिलता है कि सुसाइड जहां हो रहे हैं वो ये तालाब है.
तो वो जो तालाब हुआ वो एक अननोन एस्पेक्ट है. अननोन एस्पेक्ट क्यों हुआ? वो आपके डेटा कलेक्शन में अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर वो आपके लिए अननोन एस्पेक्ट हुआ. क्यों? क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो सुसाइड के ऊपर है, सुसाइड पर्टिकुलर जगह जाके हो रहा है, लेकिन आप सुसाइड के कारणों के पीछे रिसर्च कर रहे हो, ना कि सुसाइड कहां हो रहा है वहां पे रिसर्च कर रहे हो. ठीक है ना? तो बाकी जो चीजें हुई आपके पास, जो बाकी चीजें आई, दैट इज अननोन एस्पेक्ट. तो उस अननोन एस्पेक्ट और उस डेटा कलेक्शन के बीच में क्या कनेक्शन है, कुछ है या नहीं है, बाद में हम उसको मेंशन कर लेंगे अंदर रिसर्च के अंदर, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वो अननोन एस्पेक्ट है. या फिर आपको पता लगता है कि जो है तालाब के पास में जाकर वहां सुसाइड हो रहा है, तालाब के अंदर सुसाइड हो रहा है, तो वहां पर वो एक अननोन चीज हो गई. आपको नहीं पता है सुसाइड कहां हो रहा है, बॉडीज गायब हो रही है, बॉडी मिल ही नहीं रही है, अननोन एस्पेक्ट हो गया जी. तो सुसाइड हुआ इस कारण से हुआ, वो घर में परेशान था, अपनी जिंदगी से परेशान था, या कोई और बात थी, और वो कारण तो पता लग गया लेकिन बॉडी का तो पता नहीं है जी. तो डेटा कलेक्ट तो हो गया लेकिन अननोन एस्पेक्ट से रिलेशन क्या है, ये चीज भी इसके अंदर स्टडी की जाती है. तो इसको करने के लिए आप जो मेथड यूज करोगे, आप हो सकता है कि क्वेश्चन एयर मेथड यूज करो, हो सकता है कि आप जो है ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करोगे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या रहा है, या फिर आप अप्लाइड मेथड यूज कर रहे हैं कि देखते हैं इस बार कोई कुछ करता है तो आप उसका वेट कर रहे हैं और हर एक चीज को गहराई से आप पूरा पूरा पीछा कर रहे हो. तो अब वहां पर आप अननोन एस्पेक्ट और अवेलेबल डेटा जो है आपके पास, उसके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, उसको आप यहाँ चेक कर रहे हो. तो इस तरह से हम रिसर्च मेथड का जो ओवरऑल मीनिंग निकालते हैं वो ये है कि रिसर्च मेथड जो है वो पर्टिकुलर मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं जो कि कोई रिसर्च की जाती है तो उसकी स्टडी के दौरान काम में ली जाती है. क्यों काम में ली जाती है? क्योंकि हमारे को वहां पर जो हमारी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, अब वो क्या होती है मैं उस पर नहीं जा रहा, तो रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी चाहिए. सोल्यूशन करते समय हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है और जो अननोन एस्पेक्ट है उसके बीच में क्या इंटर रिलेशन है, उसको भी हम यहाँ पर चेक करते हैं. ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं रिसर्च मेथड या टेक्निक, जो हम तरीका उन सबको करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज आवर रिसर्च मेथड या टेक्निक. तो ये तो इसका मीनिंग हो गया. अब होता क्या है कि रिसर्च मेथड को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. अब ये ग्रुप्स मतलब इसका कुछ नाम नहीं है, बस इसको इसके पर्पस के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. बाकी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप का नाम ये हो गया, सेकंड ग्रुप का नाम ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी मेथड्स, अच्छा एक चीज मैं यहां बता दूं, वैसे मैं कई बार बताता हूं कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के अंदर जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रिसर्च एक ही मेथड को अपनाकर कर दी जाए. मेथड्स क्या क्या होते हैं वो आपको मैं आपके रेगुलर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. वहां पर भी मैंने बताया था कि जितने भी मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, चाहे फंडामेंटल हो, अप्लाइड हो, कोई सा भी होगा, वो सारे के सारे अलग अलग लेवल पर रिसर्च के अंदर, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टाइम पीरियड में यूज किए जा सकते हैं. ठीक है ना? सारे के सारे या जो भी काम आए. तो ये मत सोचना कि पूरी पूरी रिसर्च जो है एक ही टेक्निक यूज करके हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है. हो भी सकता है लेकिन जनरली होता नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई भी चीज नहीं होती है, आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, अपने पहले फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, फिर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कुछ, और जरूरत पड़े तो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. ठीक है ना? तो एक रिसर्च में एक से ज्यादा मेथड अपनाए जा सकते हैं. हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्रुप की. मेथड्स कंसर्निंग, पहला ग्रुप है मेथड्स कंसर्निंग विद कलेक्शन ऑफ डेटा. ऐसे मेथड हम यूज कर रहे हैं जो कि डेटा कलेक्शन के रिगार्डिंग काम आते हैं. अब ये कैसे हो? ये तब होगा जब आपके पास डेटा या तो है ही नहीं, या फिर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको और चाहिए. लेकिन और मिले कैसे? तो उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ मेथड टेक्निक. अब सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है ना? सबके अपने अपने होते हैं. फील्ड वर्क करना पड़ सकता है उसके लिए, उसको हो सकता है कि आपको लिटरेचर वर्क करके मिल जाए. ठीक है, हो सकता है आपको लैब टेस्ट करना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं आ रहा. लैब टेस्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट में आएगा. अच्छा, तो मेथड्स कंसर्निंग विद कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब इस तरह के मेथड्स का ग्रुप जो कि
तब इस्तेमाल किया जाता है जब डेटा कलेक्शन की बात आती है, ठीक है, चाहे तो वो डेटा बिल्कुल नहीं है हमारे पास या फिर है तो वो सफिशियंट नहीं है। दूसरा है स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। अब ये क्या चीज है भाई? स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स नाम से साफ है कि कुछ आंकड़ों से संबंधित टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक यूज की जाती है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा एंड अननोन। जो हमने बात की थी पहले कि डेटा और अननोन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक वाली जो मेथड है उसको यूज करते हैं। वो क्या क्या है मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ कि वो आपके एलएलबी लेवल पे काम का नहीं है। आप जब आगे एलएलएम या पीएचडी करेंगे तो वहां शायद आपको ये पढ़ने को मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल आपके काम की उतनी चीज नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि रिसर्च मेथड्स के अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि आपके पास जो डेटा है और अननोन एस्पेक्ट है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। आपके लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो है वो है मेथड्स यूज्ड टू इवेल्युएट एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। आपने चाहे यहां पर रिलेशनशिप जानने की कोशिश की हो या फिर आपने कुछ और आप कुछ भी कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, तो उस टेस्ट को करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है क्या उस रिजल्ट को आप रीचेक नहीं करोगे? एक अच्छा रिसर्चर जो है और अच्छा एडवोकेट भी कुछ भी फाइनल करने से पहले उसको रीचेक जरूर करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर किया जाता है, ठीक है। वो इसलिए ताकि जो भी चीज हम फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले या फाइनल कंक्लूजन पे आए उससे पहले सब चीजें अच्छे से कवर हो जाएं, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा नहीं कि घर के वहां ताला लगाते हैं फिर से दोबारा चेक करते हैं ऐसे ऐसे करके, वो क्या है? वो क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ताला लगा तो दिया हमने, चाबी घुमा दी, लगा भी है कि नहीं लगा, तो कुछ वो ही काम है। तो वो मेथड है, ठीक है, दैट इज ए डिफरेंट मेथड। तो मेथड यूज टू इवेल्यूएट एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है वो सही है कितना है वो चेक करने के लिए अगर कोई मेथड यूज करते हैं तो वो भी इस रिसर्च मेथड के ग्रुप्स के अंदर एक तरह का ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो ये ग्रुप्स हैं जो कि उसके पर्पज के इस्तेमाल से पर्पज के अकॉर्डिंग उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया है। बाकी इसका कोई नाम नहीं है कि थर्ड ग्रुप का नाम ये है, सेकंड का नाम ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ इसके पर्पज के अकॉर्डिंग कि पर्टिकुलर मेथड इस पर्पज से काम आएगा तो भाई इस ग्रुप का नाम ये हो गया, बस लगा दिया, वैसे कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है ना। जैसे कि डेटा कलेक्शन के लिए कोई मेथड काम में आता है तो उसको हमने बोल दिया कि दिस इज मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, बस कोई नाम नहीं है उसका। नाम मेथड का क्या होगा ये हम काइंड्स ऑफ मेथड के अंदर पढ़ेंगे तो वहां आएगा। तो जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि फंडामेंटल मेथड काम में आ रहा है डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए फंडामेंटल मेथड काम में आ रहा है, तो अगर हम यहां पर सिर्फ फंडामेंटल मेथड ही लिखेंगे तो हो सकता है कि किसी रिसर्च के अंदर किसी दूसरे रिसर्चर के लिए फंडामेंटल मेथड काम ना करे, वहां पर हो सकता है कि अप्लाइड मेथड काम करे उसके लिए, हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि काइंड्स ऑफ मेथड कुछ भी हो सकते हैं इनके अंदर ग्रुप्स के अंदर, बस वो जिस जिस पर्पज से काम आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बनते जाएंगे। आगे बात समझ में, सीधा है, इजी है, ठीक है। तो ये रिसर्च मेथड हमने कर ली कि क्या चीज है। मेथडोलॉजी क्या है? मेथडोलॉजी स्टडी है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है, और सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है रिसर्च के अंदर, जब मीनिंग आपको बताया गया था स्टार्टिंग के सेशन के अंदर, तो आपको बताया गया था कि रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है जो सिस्टमेटिक वे में की जाती है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी वही चीज है कि किसी रिसर्च के अंदर जो भी मेथड यूज किए जा रहे हैं क्या करोगे वो आप इसमें देख लोगे, कौन सा ग्रुप किस लिए काम में लेना है वो भी आप इसमें देख लोगे, लेकिन वही क्यों, किस लेवल पर कौन सा मेथड यूज करना है, किस काम के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आप इसके लिए ये काम में नहीं ले सकते, इसके लिए ये काम में नहीं ले सकते, इसके लिए तो इस तरह का मेथड जो इस काम में आएगा आपको वो यूज करना पड़ेगा, दूसरा मेथड काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो सारी स्टडी जो है हम मेथडोलॉजी में करते हैं कि ऐसा ही क्यों है। तो सिस्टमेटिकली सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जो उसका मीनिंग है उसको मैंने कई टुकड़ों में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसमें लिखा है। मैं आपको ये समझा देता हूँ, पहले हर एक एलिमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद में हम ओवरऑल इसका एक मीनिंग भी निकाल लेंगे। सिस्टमेटिकली सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं। जब भी रिसर्च की जाती है तो उसकी स्टार्टिंग में रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी के बारे में लिखना पड़ता है कि आप कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज करने वाले हैं,
और क्या मेथोडोलॉजी रहेगी आपको आपके लिए इस रिसर्च को करने के अंदर। तो सिस्टमेटिकली आप रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं। साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली, किसी भी रिसर्च को साइंटिफिकली किस तरह से किया जाए इसकी स्टडी करने की जो साइंस होती है उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। फिर से बता देता हूं, रिसर्च को करोगे आप ठीक है, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली करोगे तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली जो काम किया जाता है उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है ना, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, और रीडर के माइंड में सब चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलती रहती है कि हाँ भाई ये बात इसलिए है। जब आप एडवोकेट बन जाएंगे, फाइल कोर्ट में बनाकर पेश करेंगे, तो जो भी आप ग्राउंड लिख के दोगे कि क्यों आपका क्लेम स्वीकार किया जाए, तो आप उस ग्राउंड के पीछे एक लॉजिक तो बताओगे कि भाई ये कानून कहता है जिससे मेरा ये राइट बनता है, ठीक बात है, और इसलिए आपकी ये प्रेयर है, और फैक्ट्स भी ऐसे ही थे। तो वो सब चीजें आप जो एस्टैब्लिश करते हैं, देर इज सम लॉजिक, देर इज पर्टिकुलर प्रोसीजर, कि आप पहले फैक्ट बताते हो, फिर बाद में ग्राउंड बताते हो, और उसके बाद प्रेयर बताते हो। जब तक कहानी नहीं बताओगे, फैक्ट नहीं बताओगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि मामला क्या है। उसके बाद में ग्राउंड्स बताओगे आप कि वो फैक्ट से आपको प्रॉब्लम क्या है और क्यों आपका क्लेम स्वीकार किया जाए, तो उसके लिए आपने ग्राउंड्स बताए। उसके बाद में आपने कहानी बता दी, आपने डिस्प्यूट का कारण बता दिया, लेकिन आप चाहते क्या हो ये भी तो बताओगे, या मैं अपने आप समझ जाऊं कि मैं क्या चाहता हूं। तो आप प्रेयर के अंदर अपना स्पेसिफिक प्रेयर लिखते हो कि आप इन सब की वजह से अब ये चाहते हो। हो सकता है कि उसमें से दूसरे लोग कुछ और भी चाहते होंगे, लेकिन आप वो सब नहीं चाहते, आप तो पर्टिकुलर अपनी ही प्रेयर चाहते हो, ठीक है। तो वो जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है रिसर्च की, तो इस साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइंस कहते हैं। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है ना, रिसर्च साइंटिफिक स्टडी होती है। तो वो स्टडी कि किसी रिसर्च को साइंटिफिकली कैसे करना है, कैसे करना है, उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिकली करोगे किसी रिसर्च को, वो तो साइंटिफिक रिसर्च कहलाएगी, लेकिन उसको साइंटिफिकली करना कैसे है, क्या करोगे आप उसके लिए, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च डिजाइन अलग चीज है, डिजाइन में तो आप बताते हो कि आप क्या क्या करोगे, मेथोडोलॉजी में बताते हो कि आप उसको करने के लिए क्या विचार कर रहे हो, मतलब आप उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, लेकिन डिजाइन के अंदर आप एक्चुअल में बताते हो कि आप यहाँ जाओगे, आप उसके बाद में यहाँ रुकोगे, आप इसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन एयर बनाओगे, क्वेश्चन एयर में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो ये सब डिजाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च साइंटिफिकली करने के लिए आप क्या करने वाले हो, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है लॉजिक बिहाइंड, क्योंकि बात हम साइंटिफिक तरीके की कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक लॉजिक की बात करता है, देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड योर एनी स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज डेवलपिंग टेस्ट्स, आप लॉजिक की बात कर रहे हो, आप सिस्टम की बात कर रहे हो, तो कुछ टेस्ट भी डेवलप करोगे जिसको आप करना चाहोगे, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ परिणाम चाहते हो, तो कुछ आप टेस्ट बनाते हो जिसको आप सोल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई पर्टिकुलर रिसर्च टेक्निक, रिसर्च टेक्निक जो अपनी रिसर्च मेथड की बात कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलर वही रिसर्च टेक्निक क्यों इस्तेमाल की जाए और कैसे इस्तेमाल की जाए, उसकी स्टडी जो की जाती है वो मेथोडोलॉजी में की जाती है। मैंने कहा कि जब आप रिसर्च बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ही आप रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। तो रिसर्च मेथड्स में तो आप लिख दोगे कि आप ये मेथड काम में लेने वाले हो, लेकिन उन मेथड्स को किस तरीके से काम में लिया जाएगा वो सब आप मेथोडोलॉजी में यूज करते हो, और उसके आधार पर आप जो एक आउटलुक तैयार कर रहे हो, डिजाइन तैयार कर रहे हो आप अपनी रिसर्च की, वो रिसर्च डिजाइन कहलाती है, ठीक है। तीनों में फर्क है, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिजाइन, तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर रिसर्च मेथड को ही क्यों यूज करोगे और कैसे यूज करोगे, दैट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, और उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, आप क्या क्या
फैसिलिटीज चाहते हो, आपको क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, वो सारे सारे एक्शंस जो हैं वो अपने रिसर्च डिजाइन में कवर होते हैं। और रिसर्च टेक्निक्स जो हैं वो रिलीवेंट कौन सी है, इरिलीवेंट कौन सी है, उसका ही पता आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ही कर लेते हो। वैसे ये चीज रिसर्च डिजाइनिंग में आती है, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज कर लेना ठीक रहता है। ओके, तो ये हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, ये हमारे रिसर्च मेथड्स थे, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसका स्कोप वाइडर है रादर देन रिसर्च मेथड्स, क्योंकि इसके अंदर हम रिसर्च, देखो जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम रिसर्च मेथड्स की बात तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। अगर रिसर्च मेथड नहीं है तो हम उसकी बात रिसर्च मेथोडोलॉजी में कर नहीं पाएंगे, और फिर उसके बाद में उसके आधार पर क्या साइंस यूज करनी है, उसको उसकी स्टडी कैसे करनी है, वो सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर कर पाएंगे तभी जब मेथड्स हमारे पास में होंगे। ओके, सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वाइडर देन रिसर्च मेथड्स। फाइन, सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर दिस वीडियो। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, गुड बाय।